वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कोमाकी के शोरूम पे हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोमाकी XGT X4 का। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से। अगर मैं आपको सबसे पहले इसका प्राइस बताऊं तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 87,000। यहीं सामने की बात करें तो यहाँ पे हमें कोमाकी की बैजिंग दी गई है और यार यूजुअल फेक विंड्स। यार पता नहीं क्यों देते हैं कंपनी वाले। यार बैटरी वाली स्कूटी है ना, कोई इंजन है कि हाँ गर्म हुआ विंड्स ही। तो चलिए छोड़ बात करते हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो हमें यहाँ पे फुली LED सेटअप मिल जाता है हेडलैम्प्स के लिए। यहाँ पे हमें DRS दिए गए हैं। यहीं ऊपर की तरफ आए तो हमें यहाँ पे बल्ब इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो हमें सामने की साइड यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक दिए गए हैं और पीछे की साइड हमें स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है। यहीं ब्रेकिंग की बात करें तो हमें पीछे की साइड ड्रम ब्रेक दिए गए हैं और आगे की साइड डिस्क ब्रेक दी गई है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो चलिए अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। यहाँ पे हमें ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया डिजिटल, जहाँ पे ये हमारा स्पीड इंडिकेटर, यहाँ पे हमारा ऑडोमीटर, यहीं पे हमारा ट्रिप मीटर भी है और ये हमारे मोड्स हैं जिसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रहा, देखिए तो चलिए अब बटन क्वालिटी पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें डिसेंट बटन क्वालिटी देखने को मिलती है। ये हमारा हाई बीम लो बीम के लिए, यहाँ पे हमारा हॉर्न के लिए। हॉर्न बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका, मतलब साउंड एक प्लीजेंट सी साउंड है और थोड़ी सी शार्प नोट पे भी है वो थोड़ी। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स के लिए, ये हमारा हेडलैम्प्स के लिए DRLs और हेडलैम्प्स के लिए, यहीं पे हमारा रिवर्स का और ये हमारा सर्विस स्विच है। अब आप लोगों को बता दूँ सर्विस स्विच में क्या है। बेसिकली ये आपका इमरजेंसी के लिए है, जैसे अगर आपका कभी भी जो थ्रॉटल का सेंसर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा या ब्रेकिंग का प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, आप इसे होल्ड करें और जो आपकी स्कूटी है वो आपको उसी कंडीशन में ही आपको ऐसा है कि या तो आपके नियरेस्ट शोरूम या आपके घर तक पहुँचा देगी आराम से। तो चलिए अब नीचे की बात करते हैं। यहाँ पर हमें ये पॉकेट्स दी गई है, बहुत ह्यूज पॉकेट्स हैं। हमने इनमें सामान रख के देखा तो हमारा लिटरली बहुत सारा सामान आ गया था। इस जगह पे हमने फिलहाल 5 फ़ोन रख के देखे और वो फ़ोन इतने प्यार से आ गए कि मैं क्या बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा बही खाता रखा है जिसमें मैं सारी नोट करता हूँ। तो यही लेग रूम की बात करें तो हमें यहाँ बहुत अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। अगर आप चाहें तो आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चाबी की बात कर लेते हैं इसकी, तो कि हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ये नॉर्मल की डिज़ाइनर वाली और ये हमारी सेंट्रल लॉकिंग की। यहाँ पे हमारा लॉक, अनलॉक और ये हमारा फोलोमी का और ये हमारा वाला स्टार्ट का है। अगर आप चाहें तो इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए तो चलिए इसे बंद कर देते हैं अभी फ़िलहाल। तो अब हम इसकी सीटिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे डिसेंट सी सीट दी गई है जो अभी तो फिलहाल हार्ड है, बट जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और आप इस पर आराम से कंफर्टेबल होंगे। यहीं पे आपको स्टॉक में ही आपको यहाँ पे बैकरेस्ट दिया जाता है जो पिलियन के लिए बहुत, मतलब एक तरह से जन्नत नसीब हो जाती है उसे लॉन्ग टूरिंग पे, क्योंकि एक पिलियन ही ऐसा होता है जिसको हाँ थोड़ा अच्छा सा पोस्चर नहीं मिल पाता और वो मतलब बोर भी हो जाता है क्योंकि राइडिंग जो है वो आगे राइडर कर रहा है बस। चलिए चलिए इसके बूट की बात कर लेते हैं। तो बूट की ओपनिंग हमारी यहीं से है। अरे खुल जा, हाँ खुलता ही यार। तो चलिए फाइनली अब हमारा बूट खुल ही गया इतनी कोशिशों के बाद। तो यहाँ पे हमें डिसेंट बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप कुछ सामान रखना चाहे, बुक्स वुक्स रखना चाहे तो रख सकते हैं। मुझे पता है ये स्टूडेंट्स देख रहे होंगे और इनमें कोई काम नहीं है बुक्स का, चलो कोई नहीं रख लेना बट फिर भी। तो यहाँ पे हमें ये मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, मैट मिरर्स हैं। ये भी लगे नहीं हुए क्योंकि ये शोरूम में ऐसी स्टॉकिंग कंडीशन में खड़ी हुई है। यहीं पे हमें MCB का स्विच दिया जाता है जिससे आप बैटरी का कनेक्शन कट ऑफ और वापस ऑन कर सकते हैं। यहीं पीछे की बात करें तो ये हमारे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं
जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहीं पे हमें बल्ब टेल लैंप दी गई है और LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब इसके टायर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 12 इंचेस के अलॉय मिल जाते हैं आगे और पीछे। तो चलिए अब इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्जिंग टाइम अराउंड 4 to 4.5 आवर्स है। और यहीं आपको प्रोवाइड की गई है 1250 वाट की मोटर, जो कि बहुत ही अच्छा पिकअप प्रोवाइड करती है। अगर आप कभी भी इस व्हीकल को चलाएंगे तो आपको कभी ऐसा पिकअप ड्रॉप नहीं फील होगा, आपको एक अच्छा बहुत ही स्पोर्टी पिकअप मिल जाता है। तो चलिए अब आपको इसका स्पेशल फीचर दिखाता हूँ, जो कि है इसका ब्लूटूथ स्पीकर। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहीं पे हमें ये हमारा USB पोर्ट है, जहाँ पे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आपको microSD भी मिल जाएगा, लगाने का पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे आप USB पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको गाना प्ले करके दिखाते हैं। बस यार अभी से ज़्यादा प्ले नहीं करूँगा, कर दिया तो यार कॉपीराइट आ जाएगा। और अभी तो चैनल खोला है, पता चले कॉपीराइट आ गया, चैनल बंद करना पड़ रहा है, समझो ना। चलो बाकी यार देख लो, आने आपको दिखा दिया फीचर है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी स्कूटी के बारे में। तो आज तक मेरे को स्कूटी में कोई कमी नहीं लगी, बट एक कमी लगी जो है इसके डिस्प्ले की। वो प्राइस रेंज को देखते हुए बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ भी उठा के दे दिया। कलरफुल डिस्प्ले नेगेटिव में देना चाहिए था तो अच्छा भी लगता, और थोड़ा साइज़ इम्प्रूव करना चाहिए था, बहुत छोटा सा है जिसमें आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी स्कूटी में, अच्छी स्कूटी है। तो और बाकी इसमें आपको थ्री व्हीलर सेगमेंट भी मिल जाता है, जिसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल का भी ऑप्शन है, अगर उससे रिलेटेड भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।